भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड से मिली शर्मिंदगी के बाद भारत के लिए ये सीरीज और महत्वपूर्ण हो गई है। टीम यहां एक भी मैच नहीं हारना चाहेगी और ऐसे हाल में इनकी बहुत सारी उम्मीदें टिकी होंगी स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले से ही उनके साथ खेल कर दिया है। न्यूजीलैंड के पूर्व पेसर साइमन ड्यूल की माने तो ऑस्ट्रेलिया ने बुमराह को ध्यान में रखकर ही स्केड्यूलिंग की है और इसके चलते ही टीम इंडिया को समस्या होने वाली है। बता दें कि ये सीरीज 22 नवंबर से शुरू होगी। न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद भारत बहुत प्रेशर में है और ड्यूल की ये बात अब इनका प्रेशर बढ़ा ही देगी। जियो सिनेमा से बात करते हुए ड्यूल बोले, ऑस्ट्रेलिया ने स्केड्यूलिंग बहुत स्मार्ट तरीके से की है। उन्हें पता है कि इस सीरीज में फॉर्म वगैरह देखते हुए बल्लेबाज अहम होंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा जसप्रीत बुमराह रहेंगे। इसलिए उन्होंने पहले तीन टेस्ट में हार्ड और फास्ट पिच वाले मैदान चुने हैं और पिंक बॉल टेस्ट भी है ही। वो बुमराह को थकाना चाहते हैं। वो उन्हें पर्थ की गर्मी में थकाएंगे जहां बुमराह को बहुत सारे ओवर्स डालने होंगे, फिर उन्हें एडिलेड में होने वाले पिंक बॉल टेस्ट में बहुत सारे ओवर्स डालने होंगे। भारतीय टीम 6 दिसंबर से एडिलेड में दूसरा टेस्ट खेलेगी और फिर 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट खेला जाएगा। दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच बुमराह के पास रिकवरी के लिए बहुत वक्त नहीं होगा। ऐसे में उनका वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होने वाला है, डूल ने आगे कहा। और फिर आपको ब्रिस्बेन जाना है जहां सीमर्स अच्छा करते हैं, तो हम बुमराह को पहले 2-3 टेस्ट में खूब मेहनत करते देखेंगे। पक्की बात है कि वो बहुत सारे ओवर्स डालेंगे और फिर टीम इंडिया को बदलाव करना होगा, उन्हें किसी और के भरोसे जाना होगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्केड्यूलिंग बहुत स्मार्ट रही है, क्योंकि वो अक्सर पर्थ से किसी टेस्ट की शुरुआत नहीं करते हैं। बुमराह का ऑस्ट्रेलिया में कमाल का रिकॉर्ड है। यहाँ उन्होंने 7 मैच में 32 विकेट चटका रखे हैं। साल 2018-19 में जब भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी तो बुमराह ने 4 मैच में 17 की एवरेज से 21 विकेट निकाले थे। चोट के चलते मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया टूर पर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में टीम को सबसे ज्यादा उम्मीद बुमराह से ही होगी। अगर भारत को लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतनी है तो बुमराह को अपने बेस्ट पर रहना होगा और इस काम में उन्हें मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जैसे बॉलर्स से मदद चाहिए होगी। हालांकि सिराज की हालिया फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की थी। ऐसे में उम्मीद है कि सिराज यहां फॉर्म में वापसी कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।